Subscribe under 24/7 and press the bell icon. हाय माय लवली स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। गो में जॉब इन योर पॉकेट। फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज चुके हैं और आपका वोकैबुलरी डेवलपर आपके सामने आ गया है पिक्यूलियर इडियम्स और फ्रेजेस को आपके सामने लेके। तो शुरू से लेके एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है और एट द एंड ऑफ द सेशन आपको अपने आप लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा है। तो ये मेरे डेली शो टाइमिंग है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 5 AM जो कि आज अभी चल रहा है पिक्यूलियर इडियम्स, 4 PM पे SSC प्री के लिए पूरा हमारा बैच चल रहा है जिसमें इंग्लिश का भी, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, GS का भी पूरा 1-1 घंटा क्लास होती है और 4 बजे से लेके 8 बजे तक ये चलता है। 10:30 पे मैं आपके लिए वोकैब की ट्रिकोलॉजी लेके आता हूँ जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको अलग अलग तरीके से मैं आपको वोकैब सिखाता हूँ। और 11:30 पे मैं ग्रामर गन का अपना लेक्चर लेके आता हूँ जिसमें मैं ग्रामर के सारे पार्ट्स को डील करता हूँ। तो देखते हैं आज का पहला वर्ड आपके सामने, हॉट पोटैटो। कभी आलू को छीला है? गरम गरम आलू को छीलते हो, क्या करते हो, एक हाथ से इस हाथ पे, इस हाथ से उस हाथ पे, यहीं से ही इडियम निकलते हैं। हॉट पोटैटो का मतलब होता है एक पर्सन या कोई ऐसी थिंग, अ प्रॉब्लम दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। तो समथिंग डेंजरस और डिफिकल्ट टू डील विद इज कॉल्ड व्हाट? अ हॉट पोटैटो। जिंदगी में कभी आज के बाद ये इडियम आपको भूलेगा नहीं। और अगर अभी आपको याद हो चुका है तो जल्दी से एक लाइक कर सकते हैं, और अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी से एक बार SSC अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टीम के मेंबर बन जाइए। आइए देखते हैं आज का सेकंड वर्ड है आपके सामने, व्हाट इज होरोलॉजी। आपने बायोलॉजी सुना है, आपने कॉस्मेटोलॉजी सुना है, आपने बहुत सारी ओलॉजी के बारे में सुना है। होरोलॉजी क्या होता है? होरोलॉजी हॉरर से रिलेटेड नहीं है। होरोलॉजी का मतलब होता है क्या? The art of designing and making clocks, जो घड़ी आप बनाते हो, घड़ी, ये घड़ी है, इसको बनाने की जो आर्ट होती है, डिज़ाइन करने की जो आर्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं? हॉरोलॉजी बोलते हैं। कंप्यूटर महोदय, जरा एक बार आंसर दिखाया जाए। The art of designing or constructing clocks is called what? Horology. Or you can say second meaning इसका एक और भी होता है, the study and measurement of time. Time की study या measurement को क्या बोलते हैं? हॉरोलॉजी भी बोलते हैं। आई होप आपको ये भी वर्ड याद हो गया होगा। आज का हमारा थर्ड और लास्ट वर्ड है आपके सामने, जिसको बोलते हैं क्या? ए हश हश अफेयर। हश हश का मतलब होता है चुपचाप, सीक्रेट। जब हम श बोलते हैं उसको हश हश बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ए हश हश अफेयर का मीनिंग होता है बहुत ही सीक्रेट अफेयर, बहुत ही कोई सीक्रेट चीज हो, उसको बोलते हैं क्या? ए हश हश अफेयर। कंप्यूटर महोदय, जरा एक बार आंसर दिखाया जाए। अ वेरी वेरी सीक्रेट अफेयर और थिंग। जरा एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस दिखाऊंगा, इस सेंटेंस की हेल्प से आप लोगों को ये सभी समझ में आ जाएगा। हाउ डिड He get the pension on the day of retirement? यार आज इसका retirement हुआ है, आज के ही दिन इसको सारा का सारा pension मिल गया। It means it is an hush hush affair. बहुत ही secret वैसे इसको plan किया गया था और आज इसको जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला। Clear हुआ कि नहीं हुआ? जो हमारा surgical strike था, surgical strike हमारा, it was an hush hush affair. जब वो पूरा हुआ उसके बाद मोदी जी ने डंका बजा के बोला, देखो भाई अब मार के आ गए हैं। तो ये कुछ idioms हैं, peculiar हैं, विचित्र हैं, आप लोगों को normally ये एक जगह बुक्स में नहीं मिलेंगे। आप डेली 5 मिनट मेरे साथ लगाइए और अपनी vocab को इंक्रीज कर लीजिए। अगर आपको ये तीनों वर्ड याद करने हैं, आपको एक काम करना पड़ेगा, जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक बार लिख दीजिए और मुझे भी एक थैंक यू बोल सकते हैं क्योंकि मैंने आपको ये वर्ड आपके सामने रखे हैं। गाइज, अगर आपको सेशन समझ में आया है, पसंद आया है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वर्ड्स को लेके आ जाऊँगा। तो मिलते हैं आज 4 बजे अपने CPO के सेशन में, जिसमें मैं आपको एक SSC CGL का पूरा प्री का सोल्यूशन को डिस्कस करूँगा डिटेल में, आप लोगों की आंखों के सामने पूरे क्वेश्चन में रख दूंगा। तो मिलते हैं 4 बजे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।